स्वागत है आपके एवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और फाइनली अभी हम आज सीखने वाले हैं कैसे हम एक बल्ब को और एक स्विच से कनेक्शन करते हैं। तो फाइनली आप अभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास तीन बल्ब हैं और तीन स्विच है दोस्तों। तो आज सिंपल सा वायरिंग हम सीखेंगे और धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे पूरे हाउस वायरिंग यानी घर का वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं इस वायरिंग को। और फाइनली देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रही है तीन बल्ब और तीन स्विच। तो सो फाइनली अभी हमारे पोल से आने वाली सप्लाई न्यूट्रल और फेस होती है और अर्थिंग तो हम बनाते हैं। तो अभी बात हम न्यूट्रल और फेस की करेंगे। तो देखिए हमारे पोल से आने वाली सप्लाई न्यूट्रल और फेस होती है, ठीक है। तो जब हम घर में लेके आते हैं तो मीटर वगैरह में देते हैं तो वो कनेक्शन हम आपको आगे बताएंगे। फाइनली अभी हम क्या सीखने वाले हैं, स्विच के साथ बल्ब का कनेक्शन, ठीक है। तो फाइनली देखिए हमारे पास एक न्यूट्रल, हम ब्लैक वायर से ही हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, कनेक्शन करते हैं, और रेड वाले से हम फेस की सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है दोस्तों, हमें न्यूट्रल सप्लाई सभी उपकरणों में लूप कर लेना होता है यानी शॉर्ट करा देना होता है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई, ये हमारा न्यूट्रल देख रहे हैं, यहीं से न्यूट्रल हम उठाएंगे और हर बल्ब में दो पॉइंट होता है, एक न्यूट्रल एक फेस का, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल उठाए, फिर यही न्यूट्रल हम आगे बढ़ा देंगे। और दोस्तों वायर को हम कट ना करेंगे, हम ऐसे लूप कर लेंगे, जैसे कि ऐसे लूप कर लेंगे, ठीक है, ऐसे लूप कर लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ बल्ब का लूप हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे लूप कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ से हम उठाएंगे दोस्तों, अब वो आगे वाले बल्ब पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर चलने जलने बजने वाले उपकरण को न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दी जाती है। तो हमारा दोस्तों बल्ब जलता है तो इसलिए इसमें क्या दी जाती है, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दी जाती है। तो फाइनली हम तो न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देते हैं पर जो हमारा फेस होता है उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। वो फेस को ही क्यों कंट्रोल करते हैं वो आगे वीडियो में हम बताएंगे हम आपको। तो सिंपल अभी देखिए ये वायरिंग आपको समझ में आया होगा, यहाँ से न्यूट्रल उठाए सभी उपकरणों में यानी बल्ब में, बल्ब है तो बल्ब में और फैन है तो फैन में, सभी सभी में न्यूट्रल हम क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट करा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों बचा फेस, तो फेस हम रेड वायर से दौड़ाते हैं, यहाँ से फेस उठाए, सभी वन वे स्विच में देखिए दो पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, और एक इसमें कॉपर की पत्ती होती है। जब इसको हम नीचे के मोड में करते हैं तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ सटता है और ये पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ सट जाता है, तो इससे फेस हमारा आउट होने लगता है। सभी स्विच में ये दोस्तों होता है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, तो जब हम प्रेस करते हैं इधर की तरफ करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ सटेगा और ये पॉइंट जब यहाँ सटेगा तो यहाँ से करंट आउट होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फेस उठाते हैं और तीनों पॉइंट के निचले वाले हिस्से में हम क्या करते हैं इसे दोस्तों शॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बचे हुए ऊपर वाले पॉइंट, यानी देखिए इसमें दो पॉइंट होता है, एक जैसे कि वन वे स्विच का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये पॉइंट यहाँ सट जाता है और ये पॉइंट यहाँ हो जाता है। तो यहाँ वाला फेस हमारा यहाँ से आउट होने लगता है और जब इसको ऑफ मोड में करते हैं तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा बल्ब क्या हो जाता है, चलने से बंद हो जाता है। तो फाइनली इसको हम उठाएंगे, अभी देखिए अभी सिंपल हम क्या किए हैं, फेस तो हम शॉर्ट करा दिए, यहाँ से फेस हम आउट कराए और ये हमारा वायर क्रॉस का सिंबल है दोस्तों, ठीक है। तो एक बल्ब से कनेक्शन यहाँ हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हमारा आएगा और इसको भी हम ऐसे, ये हमारा वायर क्रॉस का सिंबल है, फिर एक से हम ये कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को दोस्तों चालू करेंगे, नीचे की तरफ करते हैं तो ये वाला फेस, ये जो वायर आ रहा है इसमें करंट आएगा तो फेस इससे सटता है और ये फेस इससे चला जाता है, ठीक है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा ये चालू, ये हमारा बल्ब क्या हो जाता है, चालू चालू चालू, और नीचे कर देंगे तो बंद 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 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।